आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में चीन के उपग्रह ट्रैकिंग पोत युवांग वांग 5 के श्रीलंका पहुंचने के बाद फिर से चर्चा में आए हम्बनटोटा बंदरगाह की। दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत में स्थित है। यह क्षेत्र 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी से प्रभावित हुआ, जहां चीन की मदद से कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं। इसमें हम्बनटोटा बंदरगाह तथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल है। 2017 में हुए एक समझौते के अंतर्गत श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष के पट्टे पर चीन को दिया था। इसे चीन की सरकारी संस्था चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स ने बनाया था। हम्बनटोटा को आधुनिक युग का सिल्क रूट कहा जाता है। हम्बनटोटा भारत के चेन्नई बंदरगाह से 535 समुद्री मील और कोच्चि बंदरगाह से करीब 609 समुद्री मील की दूरी पर है। चीन द्वारा इसका सैन्य उपयोग भारत के लिए सामरिक और भौगोलिक महत्व से चिंताजनक है। चीन का ये जहाज अगस्त में हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुका था। इस जहाज की भारतीय रक्षा मोर्चों और परमाणु ठिकानों की निगरानी कर सकने की क्षमता के कारण भारत ने इस पर चिंता जाहिर की।